नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बेसिकली सपोर्टिंग मटेरियल हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th का, ठीक है। तो क्लास 9th का सपोर्टिंग मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर 1 कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। क्वेश्चन 11 से 20 तक हैं इस वीडियो में मिलेंगे आपको। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस भी जाके देखो, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसमें आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, पार्ट 2 है, ठीक है। वीडियो स्पॉन्सर की गई है जी एकेडमी के द्वारा। चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। तो बेसिकली हमने दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में कवर किए हैं, तो वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, ठीक है। समझाऊंगा हिंदी में और लिखूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश लिखा दोनों में ही जाएगा, ठीक है। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो जी, ठीक है। तो निकालते हैं इसकी वैल्यू भी। तो याद करो, मैंने तुम्हें कुछ चीज बताई थी पहले। अगर मान लो ए लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, तो आपको पहले तो ये नंबर एज इट इज सपोज करना है कि एक नंबर है, पूरा पावर है चाहे है नहीं है इसमें पावर, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, अभी एक नंबर है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 2 रेज टू द पावर 2 को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, छेड़ना नहीं है इसे। तो अगर यही प्रॉपर्टी लगाएं ऊपर वाली, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, है ना। तो सेम इसी फंडे पे ये करना है काम। तो यहाँ पे पावर 2.5 है, 2.5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको बटे में करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 गुनी 10 कटेगा ना, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.5 है ना जो, ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 पावर, ठीक है। तो 81 पहले सम लिख लेते हैं कि होल पावर कितनी है, 2.5, ठीक है, और ये 2 यहाँ पे है बेसिकली, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सवाल दिख रहा है, दिख रहा है ना कुछ इस सेम तरीके से। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो 2.5 की जगह मैंने आपको बताया हम ये ले सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में हो जाएगा ये, ठीक है। तो 81 रेज टू द पावर 5/2, ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, अब 1/2। अब जैसे कि एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा ही होगा, अगर ए की पावर एम है और इसकी भी होल पावर एन है, तो क्या लिखते हैं मेरे भाई, ए की पावर एम इंटू एन, आई बात समझ में। तो 81 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 5/4, आ रही बात समझ में, 81 है सॉरी, ठीक है, 81 की पावर 5/4, अब ठीक है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हम एक काम ये कर सकते हैं कि 5/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 × 5, है ना, लिख सकते हैं ना ऐसे, बिल्कुल ठीक होगा। तो वही काम करेंगे, 81 की पावर कितनी हो जाएगी, अब 1/4 × 5। तो आपने सीखा है कि ए की पावर अगर एम और उसकी होल पावर एन है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है, अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब कंडीशन हमारे पास क्या बन गई, ये वाली बन गई कि
अब इससे कौन सी बनानी है, ये बनानी है, ठीक है। तो 81 रेज टू द पावर कितने हो जाएगा, 1/4, और यहाँ पे 5। आई बात समझ रहे? तो 81 के फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा भाई, 3 × 3 × 3 × 3, तो 4 है, 4 में से एक उठाना है तो 3, 1 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 की होल पावर 5 कितना होता है मेरे भाई, 243। तो आवर आंसर विल बी 243, 243। आई बात समझ में? ठीक है, ध्यान से देख लो सवाल, चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड बड़ा जबरदस्त सवाल आया है, ठीक है। तो इस सवाल को आप दो तरीकों से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जेंटलमैन वाला तरीका बताऊंगा, जो कि एंट्रेंस में जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, एमसीक्यू है, ठीक है। तो बेहतर रहेगा कि हम इसे एमसीक्यू के अप्रोच से ही सीखें, ठीक है। एमसीक्यू के अप्रोच से सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, एक्स का मान निकालना है ना, एक्स का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5 रेज टू द पावर x-3 मल्टीप्लाई है, ठीक है। डॉट ये मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन डॉट हम जब लिखते हैं जब वेरिएबल कोई मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं, तो 5 की पावर x-3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x-8 इज इक्वल टू 225। आ रही बात समझ में? यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 5 की पावर x-3 इंटू 3 की पावर 2x-8 इज इक्वल टू 225। आ रही बात समझ में? चलो देखते हैं सवाल अब, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4, मतलब 2, 5, 3 या 7 में से ही होगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। 2, 3, 5 या 7 में से ही होगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इन 4 में से एक्स की वैल्यू हमारी कोई एक है, तो इन 4ों को भी हम एक्स की जगह पुट करके देख लेते हैं, है ना। अगर इस एक्स की जगह और इस एक्स की जगह हम 2, 3, 5, 7 में से कोई भी पुट करके देखें एक एक बारी, तो अगर हमारा आंसर 225 आ जाए, मतलब अगर हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो पहले रखते हैं 2, फॉर एक्स इज इक्वल टू 2। अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, 2-3, 2-3 कितना बचेगा, -1, है ना। यहाँ पे रखेंगे 2, 2x, मतलब एक्स की जगह पे 2 × 2 − 8 कितना हो जाएगा, 2 × 2 − 8 इज इक्वल टू -4। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक पावर तो -1 है, एक -4 है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे एक्स की फॉर एक्स इज इक्वल टू कितना रखा है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर -1 इंटू 5, 3 की पावर -4 इज इक्वल टू 225। क्या ये होगा, आप मुझे बताओ, नहीं होगा, क्योंकि ये तो बटे में आ जाएंगे, है ना, ये भी बटे में आ जाएगा, तो बटे में आ जाएंगे तो ये हो ही नहीं पाएगा सेटिस्फाई कभी भी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 पे देखते हैं, तो 3 पे देखेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो पहला हो जाएगा 3 − 4x इज इक्वल टू 3, तो 3 − 3 कितना हो जाएगा, पहला वाला टर्म तो 0 हो जाएगा पावर में, ठीक है। दूसरे में रखेंगे 2 × 3 − 8, तो -2 बचेगा यहाँ पे। तो अगर सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं, एक्स की वैल्यू अगर 3 होती तो यहाँ पे 5 की पावर 0 आता, × 3 की पावर -2 आता। अब इमेजिन करो, ये क्या कभी 225 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो ये भी गलत हो जाएगा आंसर। सी ऑप्शन को रख के देखते हैं, 5 को, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5,
तो 5 में से 3 गए, कितने बचे? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है, और 2 इंटू 5 माइनस 8, तो 2 पंजे 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 के केस में क्या होगा मेरे भाई? 5 की पावर तो 2 बचेगी, है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 2 बचेगी, और ये कितना होना चाहिए? 225, है ना। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो क्या 25, 9 सा कितना होता है? 22, 25। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब 225 बराबर में 225। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, तो ये क्या हो गया? अभी ये सेटिस्फाई हो गया। आ रही बात समझ में? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5। 7 भी गलत होगा इस केस में, ये भी गलत होगा और ये भी गलत। आई बात समझ में? तो पॉज करके देख लेना, अगर समझ में ना आया तो वीडियो दोबारा, ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर ए की वैल्यू दी गई है 2+√3, ठीक है, अगर ए की वैल्यू दी गई है 2+√3, तो वैल्यू निकालनी है 1/a। तो यहाँ देखो ध्यान से, आप ए की वैल्यू कितनी दी है? 2+√3। तो आपको मैं शॉर्टकट सिखाता हूँ भयंकर वाला, ठीक है। वो शॉर्टकट जब काम करेगा, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पे साइन कौन सा है, ठीक है, प्लस है, ठीक है। तो पहले बार सबसे पहले करना क्या है, इस पहली टर्म का स्क्वायर करके देखना है। क्या करना है? पहली टर्म का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे साइन क्या है? प्लस है। अब साइन को अपोजिट करना है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? पहली टर्म थी 2, तो 2 का मैंने स्क्वायर करा 4। दूसरी टर्म क्या है? प्लस है, ठीक है, तो इसका भी मैंने अपोजिट करा, तो प्लस की जगह माइनस आ गया। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3। अब ये बराबर में 1 बनना चाहिए, 1 बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जब 1/a निकालेंगे ना, जो 1/a इसका होगा वो क्या होगा? 2-√3। आ रही बात समझ में? ये जादू से कम नहीं है। देखो मतलब समझाता हूँ मैं, एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था ना, ए इज इक्वल टू 2+√3, ठीक है, हमने पहले करके क्या देखा कि पहली टर्म तो 2 है, 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक जी। बीच में साइन प्लस था तो यहाँ माइनस लगा दिया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस लगा देते। आ रही बात समझ में? तो हमने ये देखा, क्या ये एक्सप्रेशन 1 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर ये एक्सप्रेशन 1 होता है तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हो 2, और यहाँ पे साइन अपोजिट कर दो, यहाँ पे क्या कर दो? साइन अपोजिट कर दो बस, ठीक है, बाकी ये एक्सप्रेशन ऐसा ही रहेगा, ये एक्सप्रेशन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी सवाल होते हैं, जैसे कि अभी मेरे को याद नहीं आ रहे, बट मैं आपको और भी बता दूंगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, और बाकी आप अपने नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, जैसे मेथड ये है, ए इज इक्वल टू अगर 2+√3 है तो क्या करोगे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है ना, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो इसको पलटोगे तो इसे पलटना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1/2+√3 हो जाएगा। अब हमें करना क्या होता है? रैशनलाइजेशन करना होता है। क्या करना होता है? रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन में करते क्या है बेसिकली, तो ये प्लस का साइन है, तो जब अब हम इसी टर्म को ना मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार,
लेकिन बीच में साइन अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, और ऊपर भी इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस रूट 3 से। अब आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, x² - y² क्या होता है, x - y और x+y है ना। तो x - y x+y दिख रहा है, x + y x - y दिख रहा है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² - y² तो x² कितना हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3, नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है ना, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/a की वैल्यू जो आ जाएगी नीचे, 1 को लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 माइनस रूट 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 1/a। आई बात समझ में? तो एक ये तरीका है करने का। एक और तरीका बताता हूँ करने का, वो ऐसे कर सकते हो आप उस तरीके से देखो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा है, तो छोड़ो आप इन दो तरीकों को याद रखना, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और वैसे शॉर्टकट ये है, इसे समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक, हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं एक और बता देता हूँ आपको, मेरे को याद आ गया। तो क्वेश्चन देखो ऐसे है, ठीक है, देखो समझना ऐसे है, अगर मान लो x दे रखा हो कितना, √3 - √2, ठीक है, 3 - √2, या तो कोई क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, अगर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 - √8, ठीक है, तो बोलेगा फाइंड 1/x क्या होगा, तो इस केस में भी 1/x निकालेंगे, इस केस में भी 1/x निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, √3 पहले, हाँ एक चीज़ और है, ये जैसे 2 + √3 दिया है, तो √3 पहले भी लिख सकता है कभी कभी, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में उसको अपन देखेंगे, ठीक है, अभी मैं ये करके दिखाऊंगा दोबारा आपको। तो जैसे x = √3 + √3 - √2 है, तो हमें करना क्या है, पहले इसका स्क्वायर करके देखना है, 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बीच में साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये कितना बैठेगा, 5 बैठेगा, तो ये तो 5 बन रहा है, ये तो नहीं होगा, है कि नहीं, तो इस केस में ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, आ रही बात समझ में? अगर इसी को हम देखें, अगर यही हमारा प्लस होता, ठीक है, और यहाँ पे हम फिर क्या कर रहे होते, अगर बोला होता इसका फाइंड 1/x निकालो, तो कैसे निकाल रहे होते हम, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या करते, फिर माइनस करते, और जब यहाँ पे मेरे भाई माइनस करते तो क्या आ जाता, 1 आ जाता ना। इसी तरीके से जब 1/x निकाल रहे होते तो वो क्या होता, सीधा √3 - √2, आ रही बात समझ में, 1/x निकालते तो, ठीक है। इस तरीके से एक एग्जांपल और मैं आपको समझा रहा था, जैसे कि अगर मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, x = √8 + 3 आ गया, ठीक है, पूछेगा व्हाट इज 1/x, तो 1/x कैसे निकालोगे, तो आपको ये समझना है कि ये आगे पीछे दे दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है पहले, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 8 में से 9 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 9 में से अगर 8 घटाएंगे, है ना, 9 में से अगर 8 घटाएंगे, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x = √3 + √8, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 9 आएगा, इसका स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 8 आएगा, बीच में साइन अपोजिट कर दिया, ठीक है,
तो 9 माइनस 8 बराबर में 1, तो उसका रैशनलाइजेशन क्या हो जाएगा, 1/x क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 8। आ रही है बात समझ में, है बोला ना, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, एक से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 6 चलती जाएगी, कहाँ तक, यहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, ठीक है। प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, 2 3 5 7 है ना, 13 17 11, तो भूल ही गया मैं, यहाँ लगाना 11 भी लगा लिया, ठीक है, 17 के बाद 19, मतलब ये ऐसे नंबर होते हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आते, 1 को वो छोड़ के, 1 के पहाड़े में अगर देखे तो सारे नंबर आते हैं 1 के पहाड़े में, तो लेकिन 1 के पहाड़े को छोड़ के ये किसी के पहाड़े में नहीं आते और, ठीक है। अब 2 देखो 1 के पहाड़े में ही आएगा, 3 भी 1 के पहाड़े में आएगा, 5 1 के पहाड़े में आएगा, 7 1 के पहाड़े में आएगा, अब ये ऐसे नंबर ही किसी और के पहाड़े में नहीं आएंगे। अब भाई एक बोलेगा कि भाई 7 के पहाड़े में तो 7 आएगा ही, वो तो भाई आएगा ही, अपने आप से कोई नंबर तो खुद ही डिविजिबल हो ही जाता है, ठीक है। तो अपने आप का भी, अपने आप के मतलब 13 है तो 13 से ही डिविजिबल होगा ये, 13 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो क्वेश्चन ध्यान में रहेगा तुम्हें, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, अब यहाँ पे बोल देता द स्मॉलेस्ट, होल नंबर इज कैसे बताते, उस केस में 0 हो जाता, ठीक है। अगर खाली बोलता है स्मॉलेस्ट, होल भी हटाए तो नंबर इज कौन सा होता, फिर उस केस में -1 होता, आ रही बात समझ में, चले अगले सवाल पे, चलो। अगले सवाल पे चलते हैं, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, इन चारों में से कौन सा नंबर ऐसा है जो कि रैशनल नहीं है, तो रैशनल तो आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। ऐसे नंबर जिनको पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ की पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर, और क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखते हैं इन चार ऑप्शन से कौन सा रैशनल नंबर है, इज नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट इसको याद रखना, कौन सा नहीं है रैशनल नंबर, ठीक है। अब एक बात बताओ, √4 का तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, फ्रैक्शन में बनाए तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, लेकिन 2 तो भैया चलता ही जाएगा अगर इसे खोले तो, ठीक है, आ रही बात समझ में, 1.414 चलता जाएगा आगे, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होती है, डिफाइंड नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है, अशांत होती है, क्या होती है, अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 15वें सवाल में रैशनल नंबर कौन सा नहीं है,
भाई रूट टू। ठीक है, तो रूट टू पे टिक लगा लो, तार लगा लो रूट टू पे। ठीक है, और आप जल्दी करोड़पति बनने वाले हो। चलते हैं अगले सवाल पे। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से गलत कथन चूज करना है, मतलब जो स्टेटमेंट गलत होगी उसको हमें चूज करना है। ठीक है, तो बोला जा रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है? देखते हैं। अगर नेचुरल नंबर की बात करो तो 1, 2, 3 है ना, ऐसे चलती है प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हमें ये तो पता ही है ना कि हर एक प्राकृतिक संख्या किस में आती है? पूर्ण संख्या में तो आती है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3 है ना, 4 चलता जाएगा। अब देखो, ये जो पूर्ण है मतलब होल नंबर है ना, होल नंबर है, इसमें तो ये आई रही है ना, मतलब ये जो पोर्शन है ये तो इसमें आ ही रहा है, तो पहली स्टेटमेंट तो सही हो जाएगी। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये भी बात ठीक है। हर एक इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं भाई या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, बस ये नंबर की फॉर्म में तो होते हैं। अगर नेगेटिव होंगे तो -1, -2, -3, पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा 1, 2, 3 इस तरीके से। ठीक है, तो भाई रैशनल नंबर हो सकते हैं, अगर -1/1 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव की देखें तो 2/1 लगा दे तब भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये भी सही है, हो गया हमारी स्टेटमेंट। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये गलत। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा पी बटे क्यू की फॉर्म में होते हैं, और इंटीजर क्या होते हैं? पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट इंटीजर्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? हमेशा नेगेटिव होते हैं या तो पॉजिटिव होंगे। आ रही बात समझ में? लिखा है ना यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक है? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन चूज करना है तो गलत कौन सा हो जाएगा भाई? सी। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही हो जाएगा, तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर इज सी। ठीक है, चलें अगले सवाल पे। चलिए, पहली बार पढ़ाते समय नींद आ रही है मुझे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √3 इज क्या होना चाहिए? एक फाइनाइट डेसिमल होना चाहिए, 1.732 होना चाहिए, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको भी बताता हूँ क्या होता है। देखो, दो तरीके के जब भी पढ़ते हैं ना कोई भी डेसिमल, तो समझ लो डेसिमल में दो होते हैं, एक होता है क्या टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं अशांत। इतनी बात समझ में आई? अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक रिकरिंग होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग
ठीक है, रिकरिंग स्पेलिंग मत जाना भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं अशांत, आवर्ती, आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। और इसको बोलते हैं अशांत, अनावर्ती, ठीक है। अब मतलब समझाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। मान लो डेसिमल के बाद कोई टर्मिनेटिंग नंबर ऐसा होगा कि भाई कुछ किसी को डिवाइड कर रहे हो तो 2.13 पे आके वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, बस नंबर यहीं तक रहेगा, ठीक है। अब बात ये नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा होता है 2 पॉइंट, जैसे कोई भी नंबर आपने डिवाइड करा 2 ही नहीं होगा, कोई सा भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लो डिवाइड करा 0.312, 312, है ना, और ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ठीक है। अब ये चलता ही जाएगा तो कभी खत्म नहीं होगा, तो ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, अशांत है ये। अब अशांत में भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, रिकरिंग क्या होता है, रिपीटिंग होता है। देखो कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा 0.212121, ये चलता जा रहा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.21 के ऊपर बार लगा दो, है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक टाइम के बाद आके रिपीट होने लग रहा है, ठीक है। ऐसा भी नंबर हो सकता है ये 0.234545445, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 0.2345, क्योंकि 4-5 रिपीट हो रहा है, यहाँ से इसके बाद ये नंबर रिपीट होने लग रहा है ना, अगर देखे तो। आ रही बात समझ में, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की बात करते हैं। नॉन रिकरिंग ऐसे होगा, देखो अब मान लो कोई नंबर लिखा मैंने 0.13435793447, इस तरीके से होगा, और ये चीज सिलसिला चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी रिपीटेशन नहीं होगा कोई भी डेसिमल के बाद नंबर का, ठीक है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब आते हैं सवाल पे अपने, तो सवाल हमारा ये है जनाब, क्या √3 एक ऐसा नंबर है जिसका एक फाइनाइट डेसिमल है? फाइनाइट डेसिमल तो नहीं है सर, 1.732 एक शॉर्ट वैल्यू है। असल में इसकी जो पूरी वैल्यू होती है ना √3 की, वो ये होती है, वो होती है 1.7308, ठीक है, और ये चलती जाती है ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है। आ रही बात समझ में, ये कभी रीअकर नहीं करती दोबारा बार बार। अब इसमें क्या है, रिकरिंग होने से बताया ना आपको, ये 2121 रिपीट होता जाएगा। अगर मैं रिकरिंग की बात करूँ तो 0.512512 और डैश 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 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, 0.512 के ऊपर बार लगा दूँ, है ना, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। तो ये थी इस क्वेश्चन की कहानी, ठीक है। अशांत, अनावर्ती इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर अशांत, अनावर्ती है। इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, मतलब अशांत आवर्ती, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। 18वां सवाल है, बोला जा रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच, मतलब बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, क्या होता है,
दो रैशनल नंबर के बीच में अगर बात करें, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, ठीक है। देयर आर नो रैशनल नंबर, ये बिल्कुल ही गलत है भाई। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कितनी सारी हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है, हो सकती है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2/3 के बीच और 5/3 के बीच में, तो भाई यहाँ पे तो 3/3 है ना, 4/3 ये तो है ना। अगर मैं इन दो को इनिशियल लेके बात करूं, रैशनल नंबरों को, परिमेय संख्याओं को, तो इनके बीच में ये भी नंबर है, तो पहला ऑप्शन तो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, गलत हो जाएगा, ठीक है। देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, एक नहीं हो सकते, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक, एक परिमेय संख्या तो नहीं हो सकती, एक से ज्यादा भी तो हो सकती है, ये तय थोड़ी ना है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है देयर आर इन्फानाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, बिल्कुल सही बात, बहुत सारे इन्फानाइट हो सकते हैं, ठीक है, तो सी ऑप्शन ठीक है। चौथा भी देख लेते हैं, देयर आर ओनली वन रैशनल नंबर एंड नो इरेशनल नंबर, तो वन तो कभी हो ही नहीं सकता भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है बस एक ही होंगी, दो परिमेय संख्याओं के बीच में इन्फानाइट होती है। अब इन्फानाइट आप बोलोगे भाई यहाँ तो दो है, अगर मेरे भाई इसको मैं और डीप में करता जाऊं, 30, 50, 30 है ना, 40, 30 है कि नहीं, और बढ़ाता जाऊं, 41, 30 कर दूं, 42, 30 कर दूं, तो बढ़ती जाएंगी, ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इन्फानाइट हो जाएंगे, तो बहुत सारे हो सकते हैं। सी ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इन चारों नंबर में से कौन सी है, तो देखते हैं। तो √4/9 को अगर हम खोलें तो क्या हो जाएगा, ये 2/3, ठीक है, तो ये तो रैशनल नंबर है, तो ये तो गलत हो जाएगा अपना ऑप्शन, ठीक है। √12/√3 को अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, √12 का हो जाएगा भाई 2/3, ठीक है, और यहाँ पे √3 इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 2/1, ये भी रैशनल नंबर है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और √7 को अगर देखें तो √7 को अगर हम खोलें तो लंबा थोड़ी कहानी बनेगी, ठीक है। अगर √81 को देखें, 81 का क्या होता है, होता है 9, इसके नीचे क्वेश्चन तो ये भी रैशनल नंबर है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर कौन सा है, √7। आ रही है बात समझ में, है √7 इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोला जा रहा है एवरी रैशनल नंबर, हर एक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या इन चारों में से कौन सी संख्या है, कौन सी है रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। एक्चुअली रियल नंबर में भी नेचुरल नंबर आते हैं, इंटीजर आते हैं और होल नंबर आते हैं, ठीक है, तो एक रियल नंबर है, अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। हर एक रैशनल नंबर एक रियल नंबर है, आई बात समझ में। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना बहुत है, आई होप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हो तो वही तीन काम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बिना मत जाना, ठीक है, और सब्सक्राइब, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, ठीक है।